टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच अब विवाद इतना बढ़ चुका है कि हर कोई अब यही कह रहा है कि इस मामले की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझ जानी चाहिए। आपको बता दें कि हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर घरेलू हिंसा और मैच फिक्सिंग जैसे संगीन आरोप लगाए थे, जिसके बाद मैच फिक्सिंग विवाद में बीसीसीआई की तरफ से एसीयू का गठन किया गया और एसीयू की जांच के बाद ये पाया गया कि मोहम्मद शमी मैच फिक्सिंग में दोषी नहीं है और उसके बाद बीसीसीआई की तरफ से मोहम्मद शमी को क्लीन चिट दे दी गई। ऐसे में हसीन जहां ने एक बार फिर मोहम्मद शमी पर कई गंभीर आरोप लगाए और उन्हें आईपीएल खेलने से रोकने की भी काफी कोशिशें की। बहरहाल मोहम्मद शमी को आईपीएल खेलने को लेकर हसीन जहां की सारी कोशिशें नाकाम रही और अब मोहम्मद शमी बहुत जल्द आईपीएल खेलते हुए भी नजर आएंगे। ऐसे में अब खबरों के मुताबिक मोहम्मद शमी के सपोर्ट में आए हैं सचिन तेंदुलकर। जी हां, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मोहम्मद शमी एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं और वो फिक्सिंग जैसे विवाद में तो शामिल नहीं होंगे और मुझे उम्मीद है कि घरेलू हिंसा का भी जो उन पर आरोप लगा है वो भी शायद साबित नहीं होगा। आपको बता दें कि सचिन ने कहा कि ये मामला घर का मसला है और इसे बहुत जल्द सुलझा लेना चाहिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स टेस्ट की रिपोर्ट।